नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं BPSC PGT हिस्ट्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कितना नंबर तक आप पाएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके पहले बताने के पहले हम आप लोगों को जरूरी बात बता देना चाहते हैं कि जो ये भर्ती प्रक्रिया हुई है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। कहीं कोई धांधली और कहीं पेपर लिंक की कोई शिकायत नहीं है। तो इस पे आप लोगों की चिंता करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर हिस्ट्री की कट ऑफ की बात करें PGT की, तो जनरल के लिए आपका 62% आप लोग सेव रहेंगे वहाँ पे। अगर जिनका भी 62 है तो वो अपने आप को बिल्कुल 100% मान के चलें कि हमारा निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम बताने चाहते हैं कि जैसे आप लोग अपने भी पेपर से मिलाए होंगे प्रश्न को, तो कम से कम 4 या 5 प्रश्न आप लोगों के वहाँ पे गलत दिखाए गए हैं या गलत प्रश्न दे दिया गया था। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग कहीं से भी उसका साक्ष्य लेकर के आयोग को अप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसे 11 और 12 या NCERT पैटर्न की जो भी किताबें हैं उसमें आप लोग साक्ष्य ढूंढिए। अगर वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो 6 से लेकर के 10 तक 8 9 10 जो भी हैं उन किताबों में भी उनके साक्ष्य आप लोगों को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप लोग ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे आयोग को आप दिखा सकते हैं कि ये प्रश्न गलत है। वैसे आयोग इन सब बातों को जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन इतना है कि आप लोगों का 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ सकता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इसके मतलब जो बताए हैं कि जनरल का जो है 62 रहेगा 100%, लेकिन अगर आपका 59, 60 या 61 भी है तो मान के चलिए फिर भी आप लोगों का 90 या 92% सिलेक्शन फिर भी आप लोगों का पक्का ही रहेगा। इसी तरीके से अगर ओबीसी की बात करें तो ऐसी कंडीशन में जो है 56 के आसपास जिनका है मेल वर्क का, तो उनका भी एक तरफ से समझ के चलिए कि 100% ही है। अगर मान लीजिए कि 1-2 नंबर कम है यानी 55 के आसपास हैं, तब भी मान के चलिए कि उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस तरीके से अगर जनरल की महिला वर्ग की फीमेल वर्ग की बात करें तो ऐसी कंडीशन में उनको भी करीब करीब आपका जो है 56 के आसपास अगर उनका भी नंबर है तो वे भी अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें, उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अगर आप ST/SC वर्ग के हैं तो निश्चित तौर पर अगर आप जो 44 से 45 हैं या कट ऑफ ही क्वालिफाई कर गए हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों का भी सिलेक्शन वहां पे हो सकता है। इसी तरीके से अगर जनरल फीमेल का है तो अगर आप मान लीजिए 56 है तब भी तो ठीक ही एक तरफ से, लेकिन 58 है तो निश्चित तौर पर आप लोगों 100% बिल्कुल से रहिए कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कट ऑफ के बारे में बताए हैं। तो जो भी कट ऑफ हम बताए हैं उसी के आसपास ही रहेंगे आप लोग, उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। लेकिन अगर आप लोग किसी प्रश्न पे ऑब्जेक्शन है तो ये भी मान के चलिए कि आप लोगों का 2 से 3 ऑब्जेक्शन करने के बाद 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसी तरह हम भी और भी वीडियो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।